अगर अभी तक आपने रचनास किचन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। छह सोहन चटनी बनाने के लिए लगभग मैंने 50 ग्राम ये साबुत लाल मिर्च ले ली है। इसमें से मैंने आधों में से जो है वो बीज निकाल लिए हैं और आधे मैंने ऐसे साबुत ही रख लिए हैं ताकि बहुत ज़्यादा ये तीखा ना हो जाए। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसमें हम 1.5 गिलास पानी डालेंगे और इसको कम से कम 15 से 20 मिनट तक सोक करके रखते हैं। थोड़ा सा हाथ से हम इसको दबा देते हैं और इसको हम ढक देते हैं। मिर्ची सोख हुए 15 मिनट हो गए। अब मैं इसमें और आधा गिलास पानी डालती हूँ और हम इसको उबाल लेते हैं जब तक कि ये बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हो जाती है। इसको मैं ढक देती हूँ और ढक के हम इसको अच्छे से उबाल लेते हैं तब तक जब तक कि बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाए। दस मिनट से ये हमारी जो मिर्ची हैं वो उबल रही हैं। अगर हम इसको देखेंगे तो ये काफ़ी सॉफ्ट भी हो गई है। अब इसको थोड़ी देर ठंडा करने के बाद फिर हम इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। इसको अब हम ग्राइंडर में डाल देते हैं, थोड़ा ठंडा हो चुका है। ये जो हमारा पानी बचा हुआ हम इसको फेंकेंगे नहीं, इसको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे इसकी जो कंसिस्टेंसी है उसको एडजस्ट करने के लिए। अब हमने एक पैन ले लिया है, इसमें मैं 2 टेबलस्पून ऑयल डालूंगी। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो गया, ये मैंने कम से कम 15 से 20 लहसुन की कलियां जिसको मैंने बिल्कुल महीन काट दिया है ये हम इसमें डाल देते हैं क्योंकि इस चटनी में लहसुन के जो महक है वो बहुत अच्छी लगती है और ये मेन इसका जो है इंग्रेडिएंट है। इसको हल्का सा ब्राउन होने तक भून लेते हैं। हमने इसको इसका रंग बदलना नहीं है हमने। बस इतना ही काफ़ी है। इसके बाद जो हमने मिर्च पीसी थी ये हम इसमें डाल देते हैं। गैस थोड़ी सी कम कर देते हैं। इसको हम 2-3 मिनट तक पकने देते हैं जब तक ये अपना ऑयल नहीं छोड़ देती है। इसको अभी हम इसी तरीके से ढक देते हैं और ढक के इसको पकने देते हैं। कम से कम 5 से 10 मिनट लग जाएंगे इसको पकने में। बीच बीच पे हम इसका ढक्कन उठा के इसको थोड़ा सा हिला लेते हैं। गैस हम सिम कर लेते हैं और तब तक पकाते हैं जब तक कि ऑयल जो है उसका रिलीज ना हो जाए। देखिए इसमें से थोड़ा सा ऑयल जो है रिलीज होना शुरू हो गया। अब इसमें से हम थोड़े इसमें मसाले डाल देते हैं, 1/2 चम्मच नमक,
लगभग 3/4 चीनी, ये थोड़ा सा जो है इसका खट्टा बस बैलेंस करती है। विनेगर 1 चम्मच, 1 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच टोमेटो केचप, कुछ मिक्स हर्ब्स भी हैं वो भी मैं इसमें डाल रही हूँ। अब हम इनको अच्छे से मिला लेते हैं। अब इसमें मैं जो बचा हुआ पानी था जिसमें हमने मिर्ची उबाली थी उसमें से मैं 1 चम्मच लेके इसमें डाल देती हूँ, लगभग 1 बड़ा चम्मच, ताकि जितने भी हमने इसमें इंग्रेडिएंट्स मिलाए हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम इसको फिर से 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे ढक के। चटनी के ऊपर ऑयल आ गया है, हमारी चटनी जो है बिल्कुल रेडी है। हम इसको स्टोर कर सकते हैं, 10 से 15 दिन तक ये फ्रिज में आराम से रह सकती है।